Hello guys, what's going on YouTube? This is Rohit here and I'm back with another advanced dance tutorial only for you, only on ads, ADS, advanced dance stuff. And today, I'm going to take you to take you इशारे तेरे पर जो मैंने अभी जस्ट एक वीक पहले जो मैंने आपको कोरियोग्राफी प्रेजेंट करी थी उसके आप लोग के सामने मैं उस पर आज ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ और बहुत लोगों को पसंद आया है एंड मुझे पता है कि आप लोग वो सीखना भी चाहते हैं तो रेडी हो जाइए आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि इससे बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसे ही एडवांस हिप हॉप की कोरियोग्राफीज लाने वाला हूँ एंड जो कि आप लोग को बहुत मदद करेगी आपके डांसिंग लेवल को ऊपर करने में तो ठीक है ये आज हमारा एक एडवांस लेवल की कोरियोग्राफी है तो आप लोग पर मुझे भरोसा है कि आप लोग कर लेंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग करी है इस डांस की तो वो जो लड़की के जो लिरिक्स होते हैं उसके बाद एक पॉज आता है तो वहाँ से हम लोगों ने करा है तो बेसिकली पहला स्टेप हम लोगों को करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने हैंड को हम लोग को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से ऐसे सर्कल बनाना होता है जुप एंड हैंड स्ट्रेट करना होता है जुप कैसे करेंगे राइट हैंड ऊपर लेफ्ट हैंड नीचे फॉलो करना है मेक अ सर्कल एंड बूम इसके साथ हम लोग को करना क्या होता है हम लोग को अपने लेफ्ट लेग पे जंप करना होता है सबसे पहले अभी हम लोग अपने राइट लेग पे वेट रखते हैं एंड लेफ्ट लेग पे लाइक दैट जंप करते हैं 5 6 7 जंप और अपनी बॉडी को थोड़ा टिल्ट करते हैं तो हम लोग सर्कल बनाएंगे जुप हम लोग को पॉज देना होता है एग्जैक्टली exactly. इतना करने के बाद हमारी जो बीट आती है चक चक यस हमें हैंड फोल्ड करना है चो चो देन चो बैक एंड हेड तो ये स्टेप्स पूरा एक साथ होता है रेडी 5 6 7 वुप 1 2 3 4 5 तो आपने नोटिस करा होगा पैर आएगा एंड धूम चेंज एग्जैक्टली नाइस इतना करने के बाद हम लोग को अपना जो राइट हैंड है उसे करना है पंच टू द लेफ्ट टू द राइट के बाद हम लोग को क्या करना है सिंपली अपनी बॉडी को लेना है एंड जुप बैक इतना करने के बाद हमारा जो राइट लेग है वो स्टेप करेगा आगे एंड हमारे जो हैंड्स हैं पहले मैं आप लोग को फुटवर्क्स दिखा देता हूँ फिर हम लोग अपने हैंड्स पर आएंगे तो फुटवर्क्स में हम लोग को सिंपली क्या करना है अपना जो लेफ्ट लेग है उसे करना है टो पर एंड हम लोग को राइट लेग ऐसे स्लाइड करना है जिसे हम लोग मून वॉक करते हैं नाउ इसके बाद देन हमारा जो लेफ्ट लेग है वो आ जाएगा आगे एंड राइट लेग टो पर एंड स्लाइड दोनों को वन बाय वन करने पर ऐसे लगेगा 1 slide 2 slide ये मैंने एक्चुअली पॉपिंग के ट्यूटोरियल में बता रखा है तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी दे सकते हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक्चुअली आप लोग को डिस्क्रिप्शन देखना चाहिए क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको आपसे आपके काम के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं आपके काम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ओके तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं मैंने बताया 1 and 2 स्लाइड करना है बहुत सिंपल था ना इसके देखो इसको साथ में कैसे करना है हम लोग को सिंपली अपने जो हैंड है हम लोग ऐसे या मुर्गी की तरह पीछे की तरफ करके रखना है स्टेप करना है राइट और जैसे ही आपका राइट लेग स्लैग हो रहा ड्रैग होगा हम लोग को अपने हैंड से अपने हैंड को क्या करना है जू आगे तो ये इल्यूजन लगेगा जू यस ना इसको करने के बाद हमारा लेफ्ट स्टेप आगे हो जाएगा हम लोग को हैंड से करना है दोनों हैंड स्ट्रेट नाउ हम लोग अपने लेफ्ट लेग को ड्रैग करेंगे एंड राइट हैंड जो होगा वैसे 2 fingers निकाल लीजिए लेफ्ट हैंड आ जाएगा शोल्डर आपके आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आ जाएगा आपके एल्बो पर एंड जो राइट हैंड है वो आपके हेड पर ओके okay? तो दोनों चीज़ एक साथ ऐसी लगी स्टेप बूम नाइस ना इतना करने के बाद आपको क्या करना है सिंपली बूम हेड को बैंग करना है ठा एंड जैसे ही बैंग करेंगे आपको ऐसा दिखाना है कि आपका जो लेफ्ट लेग है पीछे स्टेप हो जाएगा आप लोग मेरे पैर को देख लीजिए कैसे स्लाइड होगा लाइक दैट ओके कूल ना इतना करा स्लाइड ठीक है तो बैंग के साथ कर दें हेड बैंग एंड स्लाइड नाइस ना स्लाइड करने के बाद अब सिंपली क्या करना है हमारा हैंड ऐसे पीछे जाएगा यस ना लेफ्ट लेग ऊपर जाएगा राइट हैंड ऊपर जाएगा ना हम लोग को ऐसे हिट करना है जैसे हिट करेंगे तो आपका जो लेफ्ट लेग है वूम एंड हमारा फेसिंग हो जाएगा अपने राइट हैंड साइड ओके तो अभी हम इधर हैं बैंग स्टेप बूम केक था यस नाइस ना इतना करने के बाद हमारा जो हैंड है हम लोग को अपने हैंड से हर्ट बनाना है ऐसे हैंड कर्व कर लीजिए राइट हैंड से कर्व कर लीजिए ऐसे हैंड हर्ट है वेरी गुड ठीक है तो हम लोग ने आपने कर्व बनाना देख लिया है अब कर्व बनाना कैसे अब जैसे ही हम लोग कर्व बनाएंगे हम लोग अपने हैंड को ऐसे बूम पीछे की तरफ लेना है एंड आपका जो लेग है वो पीछे चला जाएगा कौन सा राइट लेग आप लोग का पीछे चला जाएगा एज सून आपका राइट लेग पीछे जाता है उसके बाद आप लोग को पता लगने वाला है कि अभी हम लोग अपने हैंड को आगे करेंगे एंड आपका जो लेफ्ट लेग है उसे हम लोग को ड्रैग करना है पीछे तो ये ऐसा लगेगा ओके 5 6 7 स्टेप बैक एंड ड्रैग ठीक है
एक बार करके देखना है ना। इतना करने के बाद यहाँ पर थोड़ा टटिंग वाला सेक्शन है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम लोग को करना है क्या, सिंपली आपका जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर, एंड जो राइट हैंड है, बातों पे ध्यान दीजिए, राइट हैंड है वो चिक ऊपर, तो एक स्क्वायर बनेगा। तो ये दोनों चीज़ ऐसी जुप, नाइस। इतना करने के बाद हम लोग को अपने हैंड्स को अंदर से बाहर की तरफ घुमाना है एंड जंप। यस, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले मेरी वीडियो ज़रूर देखिए जो मैंने एसिड अटैक पर बनाई थी, इशारे तेरे पर मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट मूवी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे ज़रूर देखिए। क्योंकि आप मैं क्या है, मैं कॉपीराइट इशू की वजह से मैं इसमें सॉन्ग नहीं डाल सकता हूँ, कॉपीराइट इशू की वजह से मैं इसमें सॉन्ग नहीं डाल सकता हूँ। तो आप लोग उसको देखेंगे और इसके बाद ये करेंगे तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। नाउ हमारा हैंड स्ट्रेट है, नाउ इसको आने के बाद हम लोग को ना वेव करना है। ओके, तो ये वेव्स का ट्यूटोरियल भी मैं डाल चुका हूँ, तो आप लोग उसको भी देखिए। एंड अगर स्टिल लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं दोबारा से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके, नाउ इसको हम लोग को क्या करना है, रिवर्स वेव्स करनी है हम लोग को, जुप जुप जुप। एंड जैसे हम लोग इसको पीछे लेंगे, आपको क्या करना है, अपने हैंड्स ऐसे जिक जिक जिक, जस्ट लाइक कि आप अपने मुँह से इस वेव को, आपके हैंड के टिप को आप पकड़ने वाले थे, जिक 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 जिक, और इधर ए गाना रुकता है। ओके, रेडी, 5 6 7 चक 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 चक, ए यस। इतना करने के बाद बोलता है इशारे तेरे कंगड़े ने, देन लिरिक्स स्टार्ट होते हैं। अभी तक जस्ट ये म्यूजिक वाला सेक्शन था। हाँ, इतना करने के बाद हम लोग को सिंपली क्या करना है, जंप करना है, एंड जो राइट हैंड है जू, लेफ्ट हैंड को हम लोग को लॉक कर लेना है, नाइस। ना लॉक करने के बाद हम लोग को क्या करना है, स्टेप, जैसे ही हम लोग राइट स्टेप करेंगे तो हमारा हैंड उड़ के पीछे जाएगा, फिर बैक, फिर हम लोग अपना लेफ्ट स्टेप करेंगे जुप, लेफ्ट हैंड उड़ के पीछे जाएगा। तो इट लुक्स लाइक स्टेप बैक स्टेप बैक, थोड़ा तेज, 5 6 7 गो। और इसको और अच्छा लगने के लिए आप अपने नीज को यूज कर सकते हैं एज अ पॉम्पिंग, पंपिंग, 5 6 7 गए, वूम एंड 5 6 7 एंड जुक 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 जुक, नाइस। इतना करने के बाद यस, वो रिदम आएगा, उस रिदम पे हम लोग को क्या करना है, स्टेप टू द राइट एंड देन बैक, स्टेप टू द राइट। तो हम लोग को 1 and 2, नोटिस मी, मैं अपना जो हमारा वेस्ट एरिया है हम लोग उसको भी यूज कर रहे हैं, 1 and 2, नाइस। ना ये करते हैं और अपना जो हमारा जो हैंड है वो ऊपर जाएगा टू द टॉप, ठीक है, हमारे शोल्डर के टॉप तक, 5 6 7 1 2 गुड। जैसे ही हम लोग इधर आए, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग करेंगे जंप, एक छोटा सा हॉप करेंगे लाइक दैट, एक छोटा सा हॉप करेंगे एंड आपका जो हैंड है वैसे मूव करेगा कर्व एंड राइट साइड रुकेगा, तो जंप एंड कर्व, एंड जैसे ही आप लोग का हैंड कर्व कर रहा है एग्जैक्टली इन द सेम वे आपको क्या करना है, आपका जो लेफ्ट लेग है उसको अंदर की तरफ स्विच करना है, ठीक है। और आप मेरे को नोटिस कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बात है क्योंकि वरना ये अच्छा नहीं लगने वाला है। आपको करना है कि आपका जो राइट शोल्डर है, मतलब जिस तरफ आप लोग अपने हैंड को लेके जा रहे हैं उस तरफ आप लोग का शोल्डर भी ड्रॉप होना चाहिए लाइक दैट, जू, नाइस। ना इतना करने के बाद हम लोग को अपने हैंड को रिवर्स घुमाना है, घुमाएंगे चेस्ट तक लेके आएंगे, चेस्ट बाहर है ना, राइट स्टेप आएगा, हैंड यहाँ पे जू, यस, ऐसे करना है। ओके, रेडी, तो अभी हम लोग जूम एंड जुप, हॉप अंदर चेस्ट एंड किक, नाइस। इतना करने के बाद हम लोग अपना लेफ्ट किक कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेप है, लेफ्ट किक करेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग को जंप करना है, तो ये ऐसा लग रहा है जुप जंप। ओके, 5 6 7 जुप जंप, एंड जैसे ही आप किक करेंगे, जैसे ही लैंड करेंगे आपका हैंड रनिंग वाली पोजिशन में, ओके, चलिए 5 6 7 एंड किक, बूम, नाइस। फिर हमें करना है यहाँ से ट्विस्ट, यस, ट्विस्ट करेंगे ना, इसके बाद हम लोग को जंप करना है अगेन, दिस टाइम हम लोग क्या करने वाले हैं, जहाँ पर आपका राइट लेग है वहीं पे हम लोग को लेफ्ट लेग पे जंप करना है, ओके, लाइक दैट। जैसे ही हम लोग जंप करेंगे हम लोग अपने हैंड्स को थ्रो करना है, ओके, एंड बूम शोल्डर अगेन, तो चुक चुक, रेडी, 5 6 7 बूम बूम। एंड आप लोग मेरे पैर को भी नोटिस कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ किक एंड बैंड, ओके, लास्ट टाइम 5 6 7 गो, बूम बूम, नाइस। ना जैसे ही आपने ये करा, इसके बाद हम लोग को अपना लेफ्ट हैंड निकालना है, राइट हैंड सर के ऊपर से, सर के ऊपर से एंड पैर स्लाइड करेंगे, ड्रैग करेंगे, एंड ड्रैग करने के बाद यहाँ पर अगेन हम लोग को क्या करना है, हिट करना है अपने हैंड्स को, एंड हिट करेंगे, लेग भी किक करेंगे एंड जूम ड्रॉप, दिस इज हिप हॉप। ओके, रेडी, 5 6 7 गो, द ग्रूव, किक एंड बूम,
नाइस। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, अभी हम लोग स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक एक बार स्लो स्लो करके देखते हैं, सो दैट आपको और आसानी होगी। हाँ, 5, 6, 7 एंड वो 1 एंड 2 एंड 3 स्टेप, शोल्डर पे हैंड हैंड वो राइट स्टेप एंड लेफ्ट स्टेप एंड हेड बैंग लेफ्ट एंड टू किक। नाउ द हर्ट सेक्शन जुप टटिंग सर्कल एंड स्लाइड जंप 1 एंड 2 एंड ग्रूव एंड ग्रूव हॉप सर्कल चेस्ट किक पोजिशन एंड किक अगेन मेक अ ग्रूव एंड बूम सुपर्ब। हो आप लोग को इतना बहुत मजा आया ये करने में। चलिए अब आगे करते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। और ब्रेक में हम लोग ये बताने वाला हूँ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मेरी एक दोस्त है, बहुत ही अच्छी दोस्त है, रियाशी चंदा उसका नाम है। उनका उसका चैनल है, सिंगिंग का चैनल है और बहुत अच्छा चैनल है, मुझे तो बहुत पसंद आती है उनकी आवाज़। गलती समझना, मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है उनकी आवाज़ मेरे को, और मुझे पता है कि आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी। मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उनका थोड़ा सा वीडियो का पार्ट अब आपको सुनाई देगा। मुझे पता है आप लोग को बहुत अच्छा लगा है, और लगा है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए। क्या कर रहे हैं, जल्दी जाइए। नाउ फ्रेंड्स इसके बाद आने वाला है फैन तेरा बन गया ने, इस टाइप से लिरिक्स आते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर बहुत मस्त सा ग्रूव करना है। कैसे करेंगे, हम लोग राइट हैंड चुप अपने चेस्ट के पास, लेफ्ट हैंड चुप वेस्ट के पास, ना देना हम लोग को अपनी कमर को ओ ओ हिलाना है। इसके साथ हम लोग को करना है क्या है, चो ही चो ही चो ही, यस। तो ये ऐसा लगेगा हैंड 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 वुप 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 वु, नाइस। इतना ग्रुप करने के बाद हम लोग करेंगे स्टेप। देखिए ये स्टेप थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है आप लोग को। करना क्या है हम लोग को, देखिए सिंपली राइट लेफ्ट राइट, फॉलो मी अगेन राइट लेफ्ट राइट। अब इसके साथ आप हल्का सा हॉप जोड़ेंगे राइट लेफ्ट राइट, नाइस। ना ये हॉप जोड़ने के बाद हमारे हैंड मूवमेंट्स पे आते हैं। हम लोग अपने हैंड से ऐसे करना है, ओके राइट लेफ्ट, एंड जब हम लोग राइट करेंगे तो उसमें हम लोग अपने हैंड से ले रहे हैं एंड बूम अपने चेस्ट को बैंग करना है। बैंग करने के बाद हम लोग जंप करेंगे राइट एंड लेफ्ट हैंड स्ट्रेट देन। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पंप कर रहे हैं एंड हर पंप पे हमारा बॉडी नीचे जाएगा एंड हैंड्स ऊपर ऊपर ऊपर। तो ठीक है, तो एक बार करते हैं 5, 6, 7 गो 1 एंड 2, 3, 4 नाइस। इतना करने के बाद अभी हम लोग जंप करेंगे लेफ्ट लेग पर, हम लोग को जंप करना है एंड अपने हैंड जो क्रॉस, नाइस। नाउ हम लोग किक आगे करेंगे, बूम हैंड्स ओपन, नाउ शोल्डर एंड ड्रॉप ऑन नीचे। चलिए एक बार थोड़ा सा तेज करके देखते हैं 5, 6, 7 गो 1 एंड 2, 3, 4 क्रॉस एंड टू बूम, नाइस। नाउ इतना करने के बाद अब हम लोग को बहुत अच्छे स्टेप्स करने हैं, ओके ना। ये वाले स्टेप्स करने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ करना क्या है। हम लोग को करना है लेफ्ट राइट लेफ्ट बैक लेफ्ट राइट बूम बैक बैंग। करना कैसे हम लोग को, हर देखिए हमारे एक्चुअली जब हम लोग आगे वाला स्टेप करेंगे तो हमारा पीछे वाला पैर उठेगा, और जैसे ही हम लोग पीछे करेंगे तो हमारा आगे वाला पैर उठेगा। मीन्स लेफ्ट लेग उठेगा जब हम लोग पीछे जाएंगे, राइट लेग उठेगा जब हम लोग आगे जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 नोटिस माई बॉडी, या 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाइस। अब इसके साथ हम लोग अपने हैंड्सों को भी, जब हम लोग आगे जाएंगे तो हमारा हैंड बैक, पीछे जाएंगे तो जू, ठीक है। चे 4, 5, 6, 7 टरा, नाइस। तो तीन बार करने के बाद हम लोग को ना जंप करना है
टू द राइट, एंड जैसे जंप करेंगे तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि मेरा जो लेफ्ट लेग है वो आगे जंप करेगा एंड राइट लेग पीछे। देखिए जंप अगेन 5 6 7 बूम, नाइस। इसके साथ हम लोग कौन अपने हाथ को वो फिंगर ऐसे बूम ओपन भी कर रहे हैं, ओपन करने के बाद नीचे ड्रॉप भी करना है जुक जुक। ना इतना करने के बाद हम लोग अपने हाथ को पोल पोल अगेन पोल पोल तीन बार करेंगे 1 2 3 एंड इसके साथ हम लोग अपना जो राइट लेग, जैसे ही हमारा लेफ्ट हैंड आगे आएगा तो राइट लेग आगे, ऑल्टरनेटिव बूम बूम या तीन बार करना है, रेडी 5 6 7 गो 1 2 3 थ्री बार करने के बाद हम लोग को अपने हैंड से हिट करना है सो दैट ये पीछे जाएगा पूरी बॉडी एंड बूम बैक। ना इतने करके आ दो टू टू बीट आती है, तो अगर आप किसी पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो आप अपने हैंड से चुप चुप खींच सकते हैं एंड वो अपनी कमर चुप चुप मूव कर सकते हैं, या फिर सिंपली जब आप लोग पीछे आ गए तो अपनी कमर चुप चुप आप लोग कर सकते हैं अपनी कमर से। ओके ठीक है नाइस। इतना करने के बाद हमारा वैकिंग वाला सेक्शन आएगा, आप लोगों ने देखा ही होगा मैंने वैकिंग भी करी है तो वो वाला सेक्शन आने वाला है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही करने वाले हैं और जो आने वाले वैकिंग वाले स्टेप्स हैं एंड जो लास्ट वाले आपने स्टेप्स देखे होंगे जो सुपर फास्ट स्टेप्स हैं वो हम लोग सेकेंड पार्ट में सीखेंगे। बिकॉज मैं चाहता तो हूँ मैं आप लोग को पूरा आज ही सिखा दूँ, एक ही पार्ट में सिखा दूँ, बट वीडियोज़ जो है वो 30-30 मिनट की हो जाती है और फिर बहुत बहुत बड़ा झंझट है और फिर 30 मिनट की वीडियोज़ को एडिट करना। मैं वो भी कर सकता हूँ बट आप लोग को भी वो थोड़ा बोर करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्डलाइज तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक पार्ट करेंगे एंड देन सेकेंड पार्ट करेंगे, इसमें आप लोग को भी मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से काम पे लग जाइए एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोग आपके 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 जैसे बहुत सारे लोग मेरे को अपनी वीडियो सेंड करते हैं मेरे ट्यूटोरियल से सीखने के बाद, तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, मुझे भेजिएगा और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अपने चैनल पे उसको रिपोस्ट करूँगा अपलोड करूँगा। तो ठीक है फिर लग जाइए प्रैक्टिस में, हम लोग मिलते हैं 1-2 दिन के अंदर, बाय।